जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 20वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर के 19 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वैशाख मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जा करके पिछले अध्याय कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने यह करोड़ों जीव क्यों उत्पन्न किए और इनके भिन्न भिन्न कर्म व अनेक सनातन मार्ग हैं, इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं हैं? यह सब मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इनमें से सभी अपने अपने गुणों के द्वारा 3 कर्म करते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों और कभी दुखों को प्राप्त होता है। प्रकृति के जीव इन्हीं 3 से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का फल होता है। प्रकृति में मनुष्य प्रकृतिम गुण कर्मों में लिप्त है और वे प्राकृतिक गति प्राप्त करते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे ईर्ष्या रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं और राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है, वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं, इसी कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं, सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं और मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दयावान, पराई निंदा न करने वाले, महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। यह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं और भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। पूर्ण काम भगवान विष्णु में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। जैसे बाग में माली सब वृक्षों को पानी देता है, वह एक ही मार्ग से समान सींचे जाते हैं, परंतु सब वृक्षों की प्रकृति अलग अलग होती है। बाग लगाने वाले को कुछ विषमता नहीं होती। व्याध बोला कि हे भुवे, पूर्ण योग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शास्त्र किसे कहते हैं? शंख मुनि ने कहा, 4,000 युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतने की ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी और तीसरी ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मनु का प्रलय होता है। इसी प्रकार जब 14 प्रलय हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मन्वंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल 3 का लय हो जाता है और मन्वंतर प्रलय में चैतन्य का नाश हो जाता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश केवल इन लोकों में जल पलावन हो जाता है और मन्वंतर जीवों में उत्पत्ति हो जाती है। दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है, सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य
अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि और पितृलोक व वर्ण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब ब्रह्मलोक में निवास करते हैं तथा जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु और सिद्धि ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं, वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से जुति तथा रीति में स्थित हैं, वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म करता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति को प्राप्त होता है। वे अपने कर्मानुसार वैसे कर्म करने वाले होते हैं। शंख मुनि ने कहा कि हे व्याध, अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेश आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निमेश के अंत में उन्हें अपने कुछिष्ट लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीवों समूहों को अपने उदर में रखते हैं, जिसमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्त और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट जाता है। वे सुप्त हैं, वे संसार में स्थित हैं और वे ही सब संसार में तमोगुण संबंध मुक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्व कल्प में विधि पूर्वक लिंग भग को प्राप्त हुए, मानव पर्यंत जीव कोश जीवन मुक्त और मुक्ति गामी, जो पूर्व कल्प में विमुख हो ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुछ ही गत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन मेष के प्रथम भाग में चतुर व्यूहात्मक विभु बहुगुण होकर व्यूह में स्थित वासुदेव ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देते हैं। तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं तथा देवादिदेव जनार्दन एवं अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थिति लोकों का अवलोकन करते हैं। वासुदेव आदि से लेकर पूर्ण गुण से युक्त चतुर व्यूहात्मक को महाविष्णु भगवान भिन्न भिन्न कर्म और आराम वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काम करते नेत्र मूंदने के अंत में पुनः योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्य संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस भगवान का वर्णन होने वाला कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादि और योगियों द्वारा कहा भी नहीं जा सकता। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा कि हे मुनि, भागवत क्या है और किन धर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं? शंख कहने लगे कि जिस धर्म से चित्त की शुद्धि हो और सज्जनों का उपकार हो, उसी को सात्विक धर्म, जिसकी कोई निंदा ना करे, जो धर्म स्मृति और स्मृति के अनुकूल हो, उसे ही सात्विक धर्म समझना चाहिए। वर्णाश्रम के विभाग से वह धर्म चार प्रकार का है। उसमें से प्रत्येक तीन तीन प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक तथा साम्य। जब वह धर्म विष्णु भगवान को समर्पण किए जाएं, तब उनको सतोगुण युक्त भागवत कहा जाता है। जब किसी कामना के लिए दूसरे देवताओं को समर्पण किया जाए तो रजोगुण युक्त और राक्षस पिशाच आदि लोक निष्ठुर देवताओं का पूजन करना यह तमोगुण कर्म है। सत्वगुणी भगवान के निमित्त सत्वगुणी कर्मों को करते हैं।
वे ही भागवत धर्म है, जिनका चित्त सदैव भगवान के चरणों में रहता है। जिह्वा पर भगवान का नाम चरणों को हृदय में धारण करते हैं, वही भागवत धर्म है, जो सदाचारी परोपकारी है तथा ययातहीन है, वही भागवत धर्म है, जिनको शास्त्र गुरु साधु और कर्म में विश्वास है और सतत ही भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वही भागवत है, जिनको भगवान के धर्म मंतव्य है तथा जो श्रुति और स्मृति में बतलाया गया है, वही धर्म है। सभी जगह घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले पुरुष कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित और श्रद्धा से जो कर्म विष्णु के निमित्त किए जाते हैं, वे ही भागवत हैं। सतपुरुषों का मन साधुओं के समागम में कृत कृत हो जाता है, जैसे चांदनी को देखकर चंद्र कांति मणि। इस लोक और परलोक को सुख देने वाले बहुत धर्म हैं, परंतु भगवान को प्रसन्न करने वाला, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला यह धर्म है। जैसे दही में से मक्खन निकाल देते हैं, वैसे ही वैशाख के धर्म विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में से सबके हित के लिए बतलाए हैं। मार्ग में छाया करना, प्याऊ लगाना, पंखे से हवा करना, सुपात्रों को दान देना तथा छाता कपूर और सुगंधित वस्तुओं का दान करना, धन से कुआं बाबड़ी तालाब आदि बनवाना, सायंकाल के समय शरबत पिलाना, फूल पान दही आदि सब दानों से अल्प है। रास्ते में थके हुए को लवन मिली छाछ का दान, पलंग गौ शहद तेल सायंकाल में इख तथा रसायन का दान, पितरों का तर्पण, ये सब कार्य वैशाख के करने योग्य है। प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात नित्य कर्म करके भगवान का पूजन और वैशाख की कथा मन लगाकर सुननी चाहिए। तिल का उबटन, काशी के पात्र में भोजन तथा निषिद्ध कर्म एवं व्यर्थ वाद विवाद नहीं करनी चाहिए। घिया गाजर लहसुन कांजी फूट कलिंदा सहजना चौलाई कुलपी मसूर बैगन मूली गुलर बेलफल लीसोज का सेवन वैशाख मास में नहीं करनी चाहिए। यदि इनमें से एक किसी भी चीज का सेवन करे तो चांडाल योनि में जाता है, फिर 100 वर्ष तक पशु योनि में जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने के पश्चात भगवान की मूर्ति बनवाकर वस्त्रों सहित ब्राह्मणों को देवे। वैशाख शुक्ल द्वादशी को दही अन्न का घड़ा पान फूल जूते समेत छतरी ब्राह्मण भोजन दान शीतल जल देकर यह कहकर कि यह धर्मराज के निमित्त करता हूँ ब्राह्मण को देवे। अपमन्य होकर गोत्र सहित उच्चारण करके संकल्प करे, पहले दही और अन्न पितरों को, फिर गुरु को, फिर विष्णु के निमित्त करे। शीतल जल और काशी के पात्र में दही अन्न तांबूल दक्षिणा और फल रखकर यह कहे कि हे विष्णु, मैं वैकुंठ की प्राप्ति के लिए यह सब दान करता हूँ और सुपात्र ब्राह्मण को दान देवे। अभिमान रहित होकर सब कार्य करे तो वह सब पापों से छूटकर अपने कई कुलों का उद्धार करता है। सूर्य मंडल को वेद कर योगियों को भी दुर्लभ विष्णु लोक को जाता है। श्रुत देव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे थे, तब सबके देखते ही देखते वह पंथ शाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटरे से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में भागवत धर्म कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से
अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।